हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिरला कॉर्पोरेशन कंपनी की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं, इस कंपनी की शेयर प्राइस 1165 रुपये है और आज के दिन 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 15% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 1 महीनों में 12% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में 16% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल के अंदर 20% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 55% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 4,136% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऑल ओवर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे दिया है। तो अगर हम यहाँ बात करें कंपनीज के चार्ट पैटर्न पर, तो आप यहाँ देखते हो कि कंपनी के स्टॉक में कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो अगर हम यहाँ देखें तो ऑल ओवर एक सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिला है 978 रुपये का, और इसका एक रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 1251 रुपये का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 1624 रुपये का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक्स में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिली है, बट ऑल ओवर इस स्टॉक का जो पुराना सपोर्ट था वो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, यानी प्रॉपर सपोर्ट लिया देन बाउंस बैक, प्रॉपर सपोर्ट लिया देन बाउंस बैक। अगर ये 1251 रुपये के लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में वापस जो ट्रेंड है वो यहाँ पे बुलिश होगा, बट यहाँ पर अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा और वहीं से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर आपके पास इस कंपनीज के शेयर्स हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है अभी 990 रुपये देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, बट ऑल ओवर अगर ये 980 रुपये के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक में हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इस स्टॉक्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट जो पुराना सपोर्ट था वो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ और इस वजह से इस स्टॉक में कंटिन्यू में गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पे अभी गिरावट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि हम कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये जो कंपनीज है सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 8988 करोड़ का, स्टॉक का लो 897, स्टॉक का है 1650 रुपये, पी की बात करें तो 15.5 है, डिविडेंड यील्ड 0.86%, कंपनीज डिविडेंड भी दे रही है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, डेब्ट इक्विटी 0.71%। अगर आप यहां देखो क्वार्टरली प्रॉफिट्स की, तो कंपनीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट काफ़ी गिरते हुए हमें देखने को मिला, यानी पिछले 2 क्वार्टर से कंपनीज का जो प्रॉफिट है काफ़ी कमजोर होते हुए देखने को मिला है, इस वजह से इस कंपनीज की शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो प्रॉफिट है उसमें भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, पिछले ईयर 630 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि इस ईयर 537 करोड़ का हमें देखने को मिला है, यानी प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनीज के रिजर्व्स यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं, ऑल ओवर कंपनीज का जो रिजर्व्स है काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला, और इसी के साथ अगर हम बोरिंग्स की बात करें तो कंपनीज का बोरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का। अगर हम बात करें अदर असेट्स में कैश की, तो कंपनीज के पास जो कैश है वो यहाँ पे 120 करोड़ का है, जो कि पिछले यहाँ पे हम मार्च की बात करें तो उस मार्च से अब तक यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हमें कैश देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 62.90% के स्टेक्स है, FIIs ने 3.72% के स्टेक्स हैं, DIIs के पास 16% के स्टेक्स हैं और पब्लिक के पास यहाँ पे 17% के स्टेक्स हैं। ऑल ओवर कंपनीज के अगर हम बिजनेस को देखें तो कंपनीज का बिजनेस काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है, बट कंपनीज पर थोड़ा डेप्ट है जो कि कंपनीज को थोड़ा रिस्की बनाता है। अगर आप इस कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कंपनीज के अभी क्वार्टरली प्रॉफिट्स काफ़ी कमज़ोर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनीज के इस क्वार्टर के प्रॉफिट्स काफ़ी शानदार होते हैं तो कंपनीज काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकती है। तो क्या आपके पास इस कंपनीज के शेयर्स हैं? नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।